गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दिया। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज गणपति बप्पा के विदाई का दिन है और इस मौके पर एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। जी हां, आज अनंत चतुर्दशी यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन है। 10 दिन के गणेशोत्सव के बाद आज देश भर में गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। मुंबई में गणपति पूजा की जितनी रौनक दिखती है उतना ही भव्य होता है गणपति विसर्जन में। मुंबई में आज का नजारा, आज गणपति चाहे लालबाग के राजा हो, गणेश गली के गणपति हो या फिर लोगों के घरों में स्थापित गणपति का विसर्जन हो रहा है। आपको गणपति विसर्जन पर मुंबई की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 11 दिनों के उत्सव के बाद विसर्जन का दिन है आज और मुंबई में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गणपति विसर्जन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में आज रौनक देखते ही बनती है। गणपति पूजा की रौनक मुंबई में किस तरह की धूम है आप देख सकते हैं। मुंबई में आज गणपति लालबाग के राजा या फिर गणेश गली के गणपति हो या फिर लोगों के घरों में स्थापित गणपति, आज बप्पा का विसर्जन का दिन है और किस तरह की रौनक नजर आ रही है मुंबई में आप देख सकते हैं। और ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों की, लालबाग के राजा, गणेश गली के गणपति, कैसे बप्पा को विदाई दी जा रही है मुंबई की सड़कों पर और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज अपने गांव जा रहे हैं बप्पा और भक्तों में इसको लेकर अलग ही जोश है। तो अपने गांव जा रहे हैं आज बप्पा और आपको बता दें कि इस मौके पर एबीपी न्यूज बड़ी कवरेज कर रहा है। हमारे साथ सीधा मुंबई के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता उमेश कुमावत जुड़ेंगे, मृत्युंजय सिंह जुड़ेंगे और गणेश ठाकुर भी जुड़ेंगे। उन तीनों से हम बात करेंगे और अलग अलग रंग आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई के गणेश गली के गणपति के विसर्जन यात्रा। मुंबई में गणेश विसर्जन की यात्राएं शुरू हो चुकी है और आज अनंत चतुर्दशी के दिन ये देखिए, ये है लालबाग के गणेश गली के गणपति। वैसे तो लालबाग के गणपति काफी मशहूर होते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियां यहां पर होती है और इनकी विसर्जन यात्राएं देखने के लिए देखेंगे आप, लाखों की भीड़ जो है आज के दिन मुंबई के सड़कों पर आपको दिखेगी। और जैसे जैसे विसर्जन यात्रा आगे आगे बढ़ती है, जिन जिन इलाकों से आगे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यहां पर जो है उनपे पुष्प वृष्टि, फूलों की बौछार, इस तरह से फूलों की बौछार और देखिए की जाती है हर जगह पर। ये है गणेश गली का गणपति। हर साल एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति होती है इनकी और देखिए इस फूलों की बौछार के बाद लोगों में जो उत्साह का माहौल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ढोल ताशे नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल आपकी दूर तक जैसे नजर जाएगी, दूर दूर तक यहाँ पे आपको बस लोग ही लोग दिखाई देंगे। और यही नजारा आपको जो अब सुबह शुरू हो चुका है वो आपको शाम तक ऐसे ही दिखाई देगा। मुंबई के सड़कों पर ऐसी लाखों की भीड़ आपको दिखाई देगी। पूरे देश विदेशों से गणेश विसर्जन यात्राएं देखने के लिए मुंबई में लोग आते हैं और गणेश विसर्जन की धूम देखिए, आपको यहाँ पे धूम देखिए किस तरह से होती है। ढोल ताशे नगाड़े, एक तरह से पूरा शहर जो है मुंबई वो रास्तों पर उतर जाता है और देखिए कि फटाके जहां जहां से गणपति जाएंगे वहां हर जगह पे फटाके फोड़े जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और गणपति बप्पा मोरया की एक धुन नारा है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। मुंबई महानगर पालिका
पालिका ने करीब 69 जगहों पर, चौपाटियों पर 69 जगहों पर विसर्जन की तैयारी करके रखी है और बृहन्मुंबई महानगर पालिका के करीब 9000 कर्मचारी अलग अलग जगह पर तैनात रहेंगे, जिसमें लाइफ गार्ड्स भी है, फायर ब्रिगेड के लोग भी जिसमें शामिल है और खास तौर पर 31 ऐसे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जहां पर भी विसर्जन होगा। यानी कि मुंबई की जितनी भी चौपाटियां हैं, दादर चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी है, जुहू चौपाटी है, मारवे चौपाटी है, सभी जगह पर ऐसे करीब 69 जगहों पर मुंबई महानगर पालिका ने विसर्जन के इंतजाम किए हैं। खास तौर पर गिरगांव चौपाटी पर अगर हम देखते हैं तो शाम तक ये सारी जो विसर्जन यात्राएं होती है वो शाम को जाती है मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर। यह है लालबाग के गणपति जी ने देखने के लिए, जो है देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं और खास तौर पर सबसे पहले जब विसर्जन की यात्रा निकलती है तो गणेश गली के गणपति की निकलती है और ये वही सबसे पहली विसर्जन यात्रा यहां पर निकली है। इसके बाद जो लालबाग के और गणपति है, जैसे लालबाग का राजा जो मशहूर है मन्नतों के लिए, जहां पर नेता अभिनेता सभी लोग आते हैं, उस गणपति की विसर्जन यात्रा भी इसी गणपति के बाद निकलती है। एक तरह से ये यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले निकलेंगे गणेश गली के गणपति जो कि लालबाग में है और उसके बाद बाकी सारे लालबाग के गणपति। तो इस तरह से सभी जो पहले गणपति है मुंबई में विसर्जन यात्रा के वो निकल चुके हैं और ये विसर्जन यात्रा कल सुबह तक ऐसे ही जारी रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज मुंबई। तो गणेश गली के गणपति की विसर्जन यात्रा आप देख रहे थे, उमेश कुमावत की एक खास रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन मुंबई के गणपतियों की अगर बात करें तो उसमें लालबाग के राजा सबसे मशहूर हैं। आज उनकी भी विदाई हो रही है, सुबह से भक्त नाच गाकर बप्पा की विदाई का उत्सव मना रहे हैं। विसर्जन से पहले लालबाग के राजा की भव्य आरती की गई। लालबाग के राजा के लिए आज अनंत चतुर्दशी और आज इस बाप्पा को जो है विदा करने का समय आ गया है। यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं लालबाग के राजा की जो विसर्जन की मिरौनुक है उसको शुरुआत हो गई है। यहाँ पर खास करके हर साल कोई नृत्य जो है, कोई महिला जो है यहाँ पर आती है और यहाँ पर नृत्य कर कहीं ना कहीं बाप्पा को मान वंदना देती है, प्रार्थना करती है। ये कई सालों की प्रथा रही है। मुंबई के कई जगहों से जो कि कोलियों का यहाँ पर मूल स्थान माना जाता है, उन कोली बांधव के जरिए यहाँ पर बाप्पा को मान वंदना दी जाती है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं इस मुरौनुक की जो शुरुआत हुई है, ये जो गिरण गांव है, जो लालबाग परड़, जहाँ पर गिरणी कामगार जो मिल वर्कर्स थे उनसे पहचाना जाता था, आज भी मराठी फेस्टिवल हो, उत्सव हो या परंपरा हो, प्रथा हो, आज भी यहाँ पर उसी तरह कायम दिखाई दे रही है। अलग अलग रंग है, अलग अलग छटाएं हैं। हम आपको दिखा दें जिस मार्ग से लालबाग के राजा की विसर्जन मिरौनुक निकलने वाली है वहाँ पर किस तरह से अलग अलग रंग दिख रहे हैं। हम आपको दिखा दें यहाँ पर लालबाग के राजा के मिरौनुक के लिए खास कर ये रंगोली निकाली गई है, साथ ही साथ फूलों का हार यहाँ पर लगाया गया है, पुष्प वृष्टि होने वाली है। उसी के साथ हम देख सकते हैं पैसों की भी मालाएं यहाँ पर राजा के स्वागत के लिए लगाई गई है। हम आपको दिखा दें यहाँ पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पैसों की मालाएं लालबाग के राजा के लिए लगाई गई है और इसी तरह हजारों लाखों भक्तगण जो है यहाँ पर आते हैं, लालबाग के राजा के मिरौनुक में सहभागी होते हैं और
ये मिरवणूक कल सुबह तक चलेगी, 24 घंटों से ज्यादा तक चलेगी। गिरगांव चौपाटी पर इसकी जो है विसर्जन होगा इस प्रतिमा का, और साथ ही साथ ये जल्लोष तब तक इसी तरह कायम रहेगा। कैमरा पर्सन नारायण परमार के साथ ऋत्विक भालेकर, एबीपी न्यूज मुंबई। तो मुंबई में है गणपति विसर्जन की धूम, और इस मौके पर जैसा हमने वादा किया था, हम बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ मुंबई के अलग अलग इलाकों से हमारे 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं। उमेश कुमावत हैं हमारे साथ, जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं, उनके साथ गणेश ठाकुर भी मौजूद हैं, और हमारे साथ मृत्युंजय सिंह भी बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे उमेश कुमावत का, जो कि लालबाग के राजा के पास इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मुंबई के सबसे मशहूर गणपति हैं। उमेश, किस तरह के रंग आप देख रहे हैं, हमें भी दिखाइए। देखिए अमांद्रा, वैसे जब मुंबई में विसर्जन की यात्रा निकलती है तो मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन सब बच्चों को लेकर, इनके माता पिता जो है इन सारे बच्चों को लेकर रास्तों पर आ जाते हैं। एक तरह से कहिए कि पूरी मुंबई जो है इस वक्त रास्ते पर निकलती है जब विसर्जन यात्रा निकलती है मुंबई में गणपति बाप्पा की। और ख़ास तौर पर से मैं जब लालबाग के इलाके में जो गणपति होते हैं उनकी जो यात्रा निकलती है उस वक्त जो है लगभग पूरी मुंबई, एक तरह से लाखों लोग सड़कों पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और यही देखने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि ये इलाका जो है, खास तौर पर मैं अगर लालबाग की बात करूँ तो लालबाग की जो बड़े बड़े सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों के जो मूर्तियाँ होती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत बड़ी मूर्तियाँ होती है। वैसे भी लालबाग का राजा जो है वो लालबाग का राजा मशहूर है, मन्नतें पूरी करने वाला गणपति उसे माना जाता है, और इसलिए इस इलाके में सारे जो गणपति, खास तौर पर इस इलाके में तो सबसे पहले निकलता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गणेश गली का गणपति है। इस गणपति का ये मान है कि सबसे पहले इसकी विसर्जन यात्रा लालबाग के इलाके में निकलेगी, और ये थोड़ा सा जो आगे बढ़ेगा लालबाग के राजा के पास पहुँचेगा, उसके बाद जो है वो लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा निकलेगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक तरह से तय है मुंबई में, और यही देखने के लिए लोग आते हैं। हर साल अलग अलग मूर्तियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। इस साल की अगर हम इस गणपति की बात करें तो देखिए, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए गणेश जी की मूर्ति आपको दिखाई देगी, घोड़े पर सवार है, तो इस तरह की अलग अलग मूर्तियाँ होती है। और ये देखने के लिए और इनकी विसर्जन यात्रा देखने के लिए जो है लाखों लोग इस वक्त मुंबई की सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो विसर्जन यात्रा है, अभी करीब सुबह 8 बजे ही ये विसर्जन यात्रा शुरू हो चुकी है, और ये विसर्जन यात्रा अभी नहीं, कल सुबह तक, यानी कि कल सुबह करीब 7 से 8 बजे तक ये विसर्जन यात्रा ऐसी ही जारी रहेगी, और ऐसी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे मैं आपको ये गणपति दिखा रहा हूँ, मैं आपको दूसरा गणपति दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस इलाके में लोग क्यों आते हैं, इतनी भीड़ क्यों होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस इलाके में आपको एक साथ कई सारे बड़े गणपति जो है सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के वो दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी गणेश गली का दिखाया लालबाग का, वैसे ही ये दूसरा गणपति दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। भीड़ बहुत है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि लाखों लोग आपको दिखाई देंगे रास्तों पर, जो लोग 10 दिनों तक इन मंडपों में जाके जो पंडाल सजाए जाते हैं उनमें जाके दर्शन नहीं ले सकते, वहाँ यहाँ पर जब विसर्जन की यात्राएं निकलती है तो लोग दर्शन लेते हैं। जैसे देखिए इस वक्त हम भीड़ से गुजर रहे हैं, आपको दिखाई देगा कि कितने सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो इन गणपति की मूर्तियों को यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। दूसरी तरफ हम थोड़ा पहुंच चुके हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये दूसरा जो गणपति है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे एक ही वक्त में करीब 4-4, 5-5, 6-6 गणपति आपको लालबाग में दिखाई देंगे, और सारी मूर्तियाँ जो होती है वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है लालबाग का राजा। और इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है तेजूकाया, लालबाग में ही एक गणेश मंडल है, सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है वो गणेश मंडल। और देखिए एक साथ आपको जब आप इस इलाके में आते हैं तो आपको एक साथ कई सारी बड़ी बड़ी गणेश मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, उनकी विसर्जन यात्राएं देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और जैसे जैसे विसर्जन यात्राएं आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपको पटाखे ही नहीं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो बड़ी बड़ी मालाएँ और फूल जो है इन पर बरसाए जाते हैं। तो यही देखने के लिए जो है कई सारे विदेशी भी, हमें देखा कि कई सारे विदेशी भी आते हैं। तो ये लालबाग का एक तरह से कहा जाएगा कि लालबाग की जो गणेश मूर्तियाँ होती है वो इसलिए मशहूर है यहाँ पर, क्योंकि ये गणेश मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी गणेश मूर्तियाँ होती है, और यही देखने के लिए मुंबई की सारी जनता जो है वो विसर्जन के दिन खास तौर पर सड़कों पर उतरती है। अमांद्रा,
जी उमेश, ये कहना गलत नहीं होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी मुंबई ही ऐसा लगता है कि सड़कों पर उतरी हुई है बप्पा के भक्त। जहां तक नजर जाए लोग ही लोग हमें नजर आ रहे हैं और दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ, जैसा हमने बताया, हमारे साथ हमारे तीन और संवाददाता मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गणेश ठाकुर और जितेंद्र दीक्षित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गणेश ठाकुर से ही बात करेंगे। गणेश, आप मुंबई के किस इलाके पे मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, मैं मुंबई के सबसे बड़े और प्रमुख विसर्जन स्थल गिरगांव चौपाटी पर हूँ और मेरे पीछे अरब सागर है, जहाँ पर गणपति बप्पा का आगमन होगा। उनके भक्त उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ ले आएंगे और ये सबसे बड़ा प्रमुख विसर्जन स्थल मुंबई का है। जो गणेश प्रतिमाएं, जो बड़े मंडल है, जैसे उमेश ने बताया कि गणेश गली का जो गणपति है, मुंबई का राजा जिसे कहते हैं, लालबाग का राजा दूसरे गणपति हैं, ये तमाम गणपति, इनका विसर्जन यहीं इसी विसर्जन स्थल पर होगा। और यहाँ आपको बता दें कि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहीं पर वो गणेश आते हैं जिनकी मान्यता होती है, जिनके प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, जिनको देखने लोग दूर दराज से आते हैं, और इसी वजह से सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज़्यादा हैं। पीछे की तरफ मैं पीसीआर रूम से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह का नज़ारा ऊपर से टॉप एंगल से दिखाई देता है यहाँ पे। और दोपहर होते होते यहाँ जो रंग गुलाल से रंगे जो गणपति के भक्त हैं, वो अपने गणपति प्रतिमाओं को लेकर उनका विसर्जन करने पहुंचेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरे मुंबई पुलिस के 50,000 की फोर्स पूरे मुंबई में है, स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष स्क्वाड भी बनाया गया। मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित भी हैं। जितेंद्र, ये वही जगह है जहाँ पर तमाम बड़ी गणेश प्रतिमाएँ पहुँचती हैं और दोपहर के बाद यहाँ का रंग ही अलग होगा। अभी घर के गणपति यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका विसर्जन शुरू हो गया। जी हाँ, अभी तो जो छोटी गणपति प्रतिमाएँ हैं उनको लाया जा रहा है, लेकिन दोपहर होते होते करीब 3-4 बजे के आसपास हम देखेंगे कि कई बड़ी ऊंची गणपति की प्रतिमाएं जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगी और करीब 5 बजे के आसपास जो मुंबई के राजा हैं गणेश गली की, वो पहुंचेंगे और ये सिलसिला कल सुबह तक करीब 7 से 8 बजे तक जारी रहेगा, जब यहां पर लालबाग के राजा गणपति जो है वो पहुंचेंगे मुंबई, दक्षिण और मध्य मुंबई के अलग अलग इलाकों से घूमते हुए गिरगांव के सागर तट पर उनका विसर्जन किया जाएगा। गणेश, काफ़ी सारे विदेशी सैलानी देखे, मुंबई पुलिस की सुरक्षा हमने देखी, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लाखों भक्त अभी थोड़ी देर में पहुंचना शुरू हो जाए। यहां पूरे गणपति के जो 10 दिन हैं उस दौरान करीब 10,000 गणपति प्रतिमाएं अकेले इस गिरगांव चौपाटी पर विसर्जित की जाती हैं और इसलिए ये सबसे प्रमुख विसर्जन स्थल है। महाराष्ट्र सरकार जो है इस बार गणपति को लेकर पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और इसलिए उनके लिए खास मंच भी बनाया गया है और हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं गणपति का रंग देखने के लिए और उनके लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। धीरे धीरे गणेश भक्तों का आगमन यहाँ पर होगा अपने गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को लेकर। 10 दिन जिस श्रद्धा से वो अपने गणपति की पूजा अर्चना करते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं, उसी धूमधाम से या एक खुशनुमा माहौल में उनको विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और सभी के मन में एक ही जयकारा होता है कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, क्योंकि इस 11 दिन की प्रतीक्षा ये सभी गणपति बप्पा के भक्त करते हैं और इसीलिए जो लाखों भीड़ यहाँ पर होंगी, कोई स्पेसिफिक अलर्ट, टेररिस्ट अलर्ट है नहीं, लेकिन जो लाखों का इनफ्लो होता है उसको देखते हुए कई सारे के इंतजाम पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ किए गए हैं। मुंबई में गणपति विसर्जन की रौनक है आज और इस पर एबीपी न्यूज आपके लिए बड़ी कवरेज लेकर आया है। हम सीधा रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह का, जो इस वक्त जुहू चौपाटी से हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, आप इस वक्त मौजूद हैं विसर्जन स्थल पर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? गणपति गेले गांव वाला चैन पड़े ना आम महला, यानी गणपति अपने गांव की तरफ पढ़े और अब किसी का दिल नहीं लग रहा है, यही गूंज मुंबई की फिजा में है। मैं इस वक्त मुंबई उपनगर के सबसे बड़े विसर्जन स्थल जुहू चौपाटी पर हूँ। जुहू चौपाटी तो मुंबई भर में मशहूर है, लेकिन आज विसर्जन के दिन यहाँ पर रौनक देखने को होती है। गणपति बप्पा सबके आराध्य देव, जिनके 10 दिनों तक पूजा उपासना के बाद श्रद्धालु गणपति बप्पा को अब विसर्जित करते हैं। सुबह का वक्त है, अभी जो घर पर स्थापित होने वाली छोटी गणेश मूर्तियाँ हैं उन छोटी गणेश मूर्तियों को लेकर जो श्रद्धालु है वो अरब सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस परिवार के सदस्य को देखिए, अभी इन्होंने पूजा अर्चना की है और अब ये गणेश मूर्ति को अरब सागर की तरफ लेकर जा रहे हैं और ये अरब सागर में विसर्जित करें।
करेंगे। जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ गणपति का मुख रखा जाता है और देखिए उल्टी दिशा में ये मुख दर्शन कराते हुए अपने परिवार के सदस्य मुख दर्शन आखिरी समय तक करते रहें और सूर्य की तरफ दिखाते हुए प्रतिमा को अरब सागर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये पीछे की तरफ ये कदम बढ़ाएंगे और ये अरब सागर में ले जाकर विसर्जित करेंगे। जोश और उत्साह देखने को मिलता है और ये विसर्जन की तस्वीर आपको यहाँ हम दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी गणेश मूर्तियों का विसर्जन की प्रक्रिया जो है वो दिखाते हैं। ये देखिए परिवार के सदस्य हैं जो घरों में छोटी गणेश मूर्तियों का स्थापित करते हैं। छोटी गणेश मूर्ति है और इन्होंने पूजा अर्चना की है और अब गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। कहाँ से आए आप जी? कुर्ला से, बॉम्बे में ही है। आप दोनों लोग ही विसर्जन के लिए आए हैं, 10 दिन तक सेवा की, कैसा लग रहा है? आप तो दुखी होंगे। अच्छा लग रहा है, दुखी मतलब ये तो नियम ही है तो ठीक है, एक कोना सूना तो पड़ ही जाता है, पर चौके ये विधि का विधान है और हमने पूजा अच्छे से संपन्न। आ जाइए मम्मा जी। तो पूजा संपन्न कर ली, अब ये विसर्जन करेंगे। हम आपको जो गणेश मूर्ति दिखा रहे थे, देखिए वो जो श्रद्धालु हैं उन्होंने गणेश मूर्ति को लेकर वो भीतर की तरफ जा रहे हैं, समुद्र की तरफ, और वो काफ़ी अंदर तक जाएंगे। और साथ ही साथ उन दो युवकों को आप देखिए जो छोटी गणेश मूर्ति लेकर भीतर गए हुए हैं और काफ़ी अंदर ले जाकर वो विसर्जन। ये है ABP News, आपको रखे आगे।